हेलो एवरीवन, आशुतोष प्राधी हैज दिस साइड एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया है। अब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आ चुके हैं। आपको पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो, किसी भी तरह का मार्केटिंग बिजनेस, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कामयाब कैसे हो सकते हो। मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस सीरीज के अंदर, आपके कमेंट्स मैं डेली पढ़ता हूँ। अब अगर कोई इंसान डायरेक्टली इसी वीडियो के ऊपर आया तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मार्केटिंग एक्सपर्ट के बारे में। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। बट एक दावा मैं करता हूँ, हर वीडियो के अंदर ये चीज बोली है मैंने कि अगर किसी इंसान ने स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में इस सीरीज को देख लिया, एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, कोई दुनिया में ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आपकी कामयाबी को इस बिजनेस के अंदर रोक लेगा जिस बिजनेस में आप हो। आप बहुत ज्यादा वाइल्डली सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप सारी चीजें सीख के इंप्लीमेंट करते हो तो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने निचोड़ के दे दिया है। Now, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और एक ऑब्जेक्शन लूंगा अभी से रेगुलरली 2-4 दिन तक जो वीडियोस आएंगी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ही होंगी। तो आज का पहला ऑब्जेक्शन हम लेते हैं वो अक्सर प्रेजेंटेशन लेने के बाद, चाहे वो वीडियो देखे, चाहे वो वेबिनार के अंदर आए, चाहे वो 1-on-1 प्रेजेंटेशन खत्म हो, प्रॉस्पेक्ट आपसे अक्सर जो सवाल पूछता है ना, वो सारे सवालों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल कई बार लोगों को आता है कि यार करना क्या होगा, सब कुछ बता दिया आपने, कंपनी बता दी, प्रोडक्ट बता दिया, प्रोफाइल बता दिया आपने, अचीवमेंट्स बता दिया आपने, अपलाइंस के क्या अचीवमेंट्स, आपने चेक्स दिखा दिया, आपने अपने चेक्स दिखा दिए, आपने ये भी बता दिया टूर कहाँ पे होने वाला है, बड़े बड़े बोनसेस आते हैं, सब समझ आ गया, मुझे करना क्या होगा एग्जैक्टली। अब वहां पे आप कंफ्यूज जाते हो कि क्या बोलूं मैं इसको, क्या एग्जैक्टली कैसे समझाऊं कि क्या करना होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं 3-4 अलग अलग तरीके बताता हूं, अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से पिच करोगे, ये याद रखना। हर एक कहते ना, एक ही तराजू पे हर किसी को तोलना कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। कोई पार्टी लवर है उसको अलग हिसाब से हमें हैंडल करना है, कोई बड़ा एनालिटिकल बंदा है, स्केप्टिकल बंदा है, ठीक है, नेगेटिवली सोचता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो अलग तरीका होगा। सारी चीजें सीखेंगे, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि कैसे हैंडल करना है। पहला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दूंगा, पहला एग्जाम्पल कैसे उसको हैंडल करना है आपने। अब वहां पे बोल सकते हो कि भाई देखो, दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। पहली वो तरह के लोग होते हैं जो अगर किसी भी चीज की अपने मुंह से तारीफ करेंगे, जितने भी स्टार्स होते हैं अगर किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो उसके बदले में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करेगा, चाहे वो आपका आशीष चंचलानी हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, चाहे बीबी की वाइंस हो गया, किसी ऐप की एडवर्टीजमेंट हो रही है, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो, उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार हो गए, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कुलकुल 1 रुपए का, अगर किसी भी चीज की अगर तारीफ करेंगे तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं, वो हो गई पहली कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो बचपन से लेके, जन्म से लेके, मतलब जब से उनको होश संभाला है उन्होंने, तब से लेके जिंदगी भर मुंह फाड़ फाड़ के अलग अलग चीजों की तारीफ करते रहते हैं। अगर कहीं पे कोई खाना बढ़िया लग गया उस रेस्टोरेंट की तारीफ कर देंगे, किसी दर्जी की सिलावट पसंद आ गई, मतलब सूट बढ़िया सिल दिया किसी ने, या फिर नैरो बॉटम पैंट करवाते ना बचपन में, 10वीं में, मतलब 10th में 11th में 12th में बच्चे जो होते थे नैरो बॉटम पैंट करवाते, तो भाई वो दर्जी क्या सिलता है एकदम सटीक, एकदम मस्त, ठीक है, 4-5 दोस्तों को वहां पे तारीफ कर दी, मतलब बचपन से वो इंसान चीजों की तारीफ करता है लेकिन उसके बदले में उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, राइट। अगर मैं आपको बताता हूं कि आपको दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाने का आपको मौका मिलता है तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे, सामने वाला नेचुरली बोलेगा कि ऑब्वियसली सेकंड कैटेगरी में जाना चाहूंगा। तो एग्जैक्टली यही काम है, आप उनको फिर समझाओ कि एग्जैक्टली यही काम है, आपको कुछ भी नया नहीं करना, जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमारे नब्जों में है कि हमें कोई चीज पसंद आती है हम उस चीज की तारीफ करने लग जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं मुरथल में जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं, फोटो स्टेटस पे डालते हैं, ठीक है, और मुरथल के अंदर वो गरम धर्म पे चले जाओ या फिर अमरीक सुखदेव पे चले जाओ, कहां से एडवर्टीजमेंट हुई है उसकी, रजिंद्र ढाबा हो गया, कहां से एडवर्टीजमेंट हुई है उसका, कोई किसी ने एडवर्टाइज थोड़ी किया है, कहीं पे आपने एड थोड़ी देखी है, लोग ही जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं उसके बाद व्हाट्सएप पर डालते हैं, तो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक हम ये काम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, राइट। प्रिया प्रकाश वॉरियर, एक आंख मारा मिलियंस में फॉलोअर्स, कितने सारे स्टार्स को उसने पीछे कर दिया, राइट। धिनचाक पूजा को वहां से उठा के बिग बॉस तक पहुंचाने वाले कौन है, हम लोग हैं, है ना। तो मैं से मीना सेना साथी से वो जो एक अंकल थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, डब्बू अंकल थे शायद, है ना, तो हाँ डब्बू अंकल थे, तो उनको किसने एडवर्टाइज किया, हम लोगों ने एडवर्टाइज किया, हम लोगों ने ही उनको प्रमोट किया, हम लोगों ने ही उनको बहुत आगे बढ़ाया। तो एग्जैक्टली यही काम है, और कुछ भी नया नहीं करना है अपने को, जो काम हम करते आ रहे हैं वही काम अपने को करना है। हमने अगर प्रमोट कर दिया किसी चीज को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, पर प्रमोट हमें सीख के करना है, बिना सीखे करेंगे तो मतलब डिजास्टर हो जाएगा, सीख के करना है। प्रमोशन 2 तरह से होते हैं, ये भी बात आप समझाओ उनको, प्रमोट 2 तरह से किया जाता है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग,
आपको कोई चीज पसंद आ गई या फिर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए, आप किसी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो गए, अब आप क्या करो, लोगों को चिपकने लग जाओ कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्लीज मेरे साथ आ जाए, एक बार करके तो देख, एक बार यूज कर तो करके देख। ये हो गया च्युइंग गम मार्केटिंग। अब हम यंगस्टर्स हैं, हम यूथ हैं, हमें नहीं पसंद कि हम किसी को जाके चिपके, किसी को भी नहीं पसंद। हमें पैसा बाद में चाहिए, पहले इज्जत चाहिए, बाद में पैसा चाहिए, करेक्ट है? वो सामने वाला तुरंत आपके साथ कनेक्ट करेगा कि भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप बोलो कि भाई हम लोग सारे यंगस्टर्स हैं, हमें इज्जत पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू। तो मैं अगर आपको ये चीजें सिखा दूं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को बेचू बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ मैग्नेटिक तरीके सिखाऊंगा जिससे आपके पास जनता अपने आप आएगी और वो आपसे पूछेंगे कि भैया कैसे कर रहे हो, तो कैसा रहेगा? सामने वाला बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा, उसको समझ आ गया कि करना क्या है। अब यहां पे आप ये भी चीज बोल सकते हो कि स्टोरी टेलिंग आप ऐड कर सकते हो, दूसरा तरीका स्टोरी टेलिंग यहां पे ऐड कर सकते हो कि भाई देखो, ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछता हूं ना मेरे बिजनेस के अंदर, जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या बिजनेस है, प्रेजेंटेशन लेने के बाद ज्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि पैसा कमाना है। अब मैं उनको बोलता हूं कि आपको सीखना पड़ेगा, तो उनको ऐसा रहता है कि यार एक घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक घंटे के वेबिनार में आना पड़ेगा। सीखना किसी को नहीं है, बट पैसा कमाने के लिए हर बंदे की लार टपकती है, हर इंसान के नीचे अगर बाल्टी लगाते हो ना, थोड़ा ह्यूमर ऐड करो। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि नीचे बाल्टी लगा दोगे ना, लार इतनी टपकती है कि चार बंदे नहा ले, ठीक है? ह्यूमर ऐड करने का सिंपल सा फायदा होता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट करता है, उसको लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार बंदा है, ठीक है, बड़ा जॉली सा बंदा है, और वहां पे आप एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, ठीक है? तो मैंने वहां पे बोला कि भाई प्रोस्पेक्ट को जब मैं बोलता हूं ना कि पैसा कमाना है, हर किसी को पैसा कमाना है, जब मैं बोलता हूं सीखना है, तो बहुत सारे लोगों को कैसा रहता है कि आज मेरी ये ट्यूशन है, आज मेरी ये क्लासेस, आज मेरे को ये दिक्कत है, आज मेरे को वहां जाना है, अरे सर सीखने में टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। बट मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरे साथ भी ऐसा सेम सीन था, सीखने में किसी को मजा नहीं आता। बट मैं ना जब नया नया इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैंने एक लीडर से बात करी, जब मैंने उन लीडर से बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप इतने कामयाब हो गए, आप 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, कैसे कर लिया आपने? तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, उन्होंने से पूछा कि आशुतोष अभी आप क्या करते हो, तो मैं उस टाइम पे जॉब करता था, तो मैंने उनको बोला कि मैं नौकरी करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि कितने की सैलरी आ जाती है आपको, मैंने बोला 14,000 की नौकरी आ जाती है। अच्छा ये बताओ, ये 14,000 की नौकरी लेने के लिए आपने कितने साल पढ़ाई करी है? मैं कहा मैंने सर 12th पास करी है, तो 12 साल की पढ़ाई करी हुई है ऑब्वियसली, और अभी मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। अच्छा 12 साल की पढ़ाई करी, तो मेरे को ये बताइए कि 12 साल में आपने पैसे भी खर्चे होंगे, आपके पेरेंट्स ने पैसे भी खर्चे होंगे? मैंने कहा हाँ 10-12 लाख रुपए खर्च किए होंगे, ऑब्वियसली खर्च किए होंगे हमारे ऊपर, राइट? ट्यूशन भी होता था, स्कूल भी होता था, उसके बाद जितना स्टेशनरी ये वो किताबें, ऑब्वियसली खर्च हुआ है। किसी के 4 लाख होते हैं, किसी के 5 लाख होते हैं, किसी के 10 लाख रुपए होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में छप गई थी कि आशुतोष जहां पे आपको 14,000 की नौकरी लगी है उसके लिए आपने 12 साल की ट्रेनिंग ली, 12 साल की पढ़ाई करी, इतना सारा पैसा लगाया, बट इस बिजनेस के अंदर आप लाखों करोड़ों का बिजनेस सेटअप करने की उम्मीद से आए हो, आपने ट्रेनिंग ली क्या? और वहां पे मेरे दिमाग के अंदर मतलब क्लिक हो गई थी ये बात कि हम सीखते नहीं है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते। तो आप बोलो कि आपने पूछा ना अभी कि करना क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ 70% तो सिर्फ आपको सीखना है, ये बिल्कुल नया बिजनेस है आपके लिए, बिल्कुल नई चीजें आप सीखने वाले हो, तो यहाँ पे आपको 70% टाइम लगाना है सिर्फ सीखने पे, और 30% इंप्लीमेंट करने पे। क्या इंप्लीमेंट करोगे? जो आपने सीखा, है ना? तो शुरुआत में इतना दिमाग मत लगाओ कि क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आधा मतलब ये समझ लो कि 1-2 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है, सीखते सीखते आपको अपने आप पता लग जाएगा कि करना क्या है, करेक्ट है? बहुत आराम तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट इस बात को समझेगा और कनेक्ट कर पाएगा, राइट? तीसरा तरीका बताता हूं, बहुत जबरदस्त तरीका है और मजा आ जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट को भी मजा आ जाएगा। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि देखो हमारे बिजनेस के अंदर होता क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो ब्रांड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जिस कंपनी के साथ हम शुरुआत करते हैं काम करने की, वो कंपनी हमें पर्टिकुलरली सिखाती है कि किसी भी बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करके एक स्टेबल जगह पे कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग मिलती है। एक नया बंदा है जिसको बिजनेस के बारे में भी का भी नहीं पता, ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है कि एक बिजनेस को स्क्रैच से उठा के स्टेबल कैसे किया जाता है। जैसे MBA होता है ना, MBA के अंदर हमें थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो वो थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है, बट इस कंपनी के अंदर हमारे को ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकली मिलती है कि आप किस तरीके से एक बिल्कुल आज के बिजनेस को आप बहुत तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हो। नाउ अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली और आपने कंपनी के विजन को प्रमोट करने में कंपनी की हेल्प कर दी, मतलब कंपनी का जो विजन है कि लोगों को आना चाहिए कि बिजनेस को स्टेबल कैसे किया जाता है, स्क्रैच से उठा के एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है, तो अगर आपने कंपनी के विजन को प्रमोट किया, मतलब बहुत सारे लोगों को सिखाया कि वो भी किस तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, तो कंपनी आपको इसके बदले में हैंडसम अमाउंट भी पे करती है। बहुत आसान भाषा में आपने नेटवर्क मार्केटिंग समझा दी, लेकिन वर्ड्स ऐसे यूज किए जिससे सामने वाला थोड़ा सा फैसिनेट होगा, क्योंकि आज के टाइम पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज्यादा चलता है, लोगों को बिजनेस सीखने में मजा आने लग गया है, स्क्रैच से एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है ये सीखने के लिए 100% वो बोलेंगे कि हाँ मेरे को करना है ये काम। जब वो ये काम बोलेंगे करना है, आपको क्या करना है, सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दो, अगेन स्टोरी टेलिंग जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया वो यूज कर लो, यहाँ पे
ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दो, सामने वाले को समझ आ जाएगा। कुछ ही टाइम तक जब वो ट्रेनिंग लेगा, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान डिटेल में समझेगा, ट्रेनिंग्स के अंदर आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसी वीडियोस देखेगा। आपने भी नहीं देखी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर बहुत वायरल वीडियो है, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप जाके उसको देखो तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, इस तरह की जब वो वीडियोस देखेगा उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि उसको करना क्या है। ऑलराइट, तो आपको मैंने सिखा दिया कि आपको इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अब कौन सा पार्ट समझ लो या कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी कई बार प्रॉब्लम आती होगी, लोगों को समझा नहीं पाते होंगे कि करना क्या पड़ेगा एक्जैक्टली, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, अगली वीडियो मेरी जैसे ही अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बैक।